बच्चों राम राम, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। 11th क्लास NCERT का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, दो लेक्चर बचे हुए हैं इसमें। और आज का जो ये लेक्चर है इसको मैंने सेपरेट वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। किसमें, आप जब नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ से उठ करके ये क्वेश्चन 100% आता है। मतलब 100% की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, बट स्टिल चार क्लासिफिकेशन NCERT में दिए हुए हैं, उन चारों को आपको पढ़ के जाना, चार ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को पढ़ के जाना आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है उस परिप्रेक्ष्य में जबकि आप देख रहे हैं कि कंपटीशन इस तरह का बढ़ रहा है। इस बार 26 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है, 26 लाख प्लस लोगों ने नीट का फॉर्म फिल किया है, ठीक है। मेरे समय में भी लगभग 21 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, तो 5 लाख तभी से बढ़ चुके हैं समझ लीजिए पिछले 3 साल में ही, ठीक है। तो भैया देखते चलिए धीरे धीरे, भैया ये बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि इस समय क्रेज़ है किसका, MBBS का। चलिए तो बात करेंगे सबसे पहले किन चार ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे जो NCERT दे रही है। पहला है ह्यूमन, हाउसफ्लाई, मैंगो और वीट। ह्यूमन का मतलब समझते हो आप, वही मैन जो आदमी, हम आप और जितने भी मैनकाइंड हैं जो चलते हुए आपके फूफा मौसा चाचा देखते हो वो सभी ह्यूमन्स ही हैं, तो उनका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाउसफ्लाई का मतलब है जो कि आप घरेलू मक्खी देखते हैं जो ऐसा खाने के ऊपर पोटी ओटी के ऊपर भिनभिनाया करती है वो। मैंगो, गर्मी आ गई है धीरे से, मैंगो भी खाएंगे ही आप। वीट, गेहूं की कटाई चल ही रही है। तो भैया इन चार के क्लासिफिकेशन को पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किंगडम की, तो किंगडम भैया मैन का क्या होता है, एनिमलिया। देखिए NCERT कितना प्यार से बना करके देती है, दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिखे हैं जो एनिमलिया किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दो ऐसे जो प्लांटी किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गौरतलब बात है, अभी आगे अगले चैप्टर में बताएंगे कि 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन मास्टर साहब थे हमारे, क्या नाम है आर एच विटिकर जो है, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें 5 किंगडम उन्होंने बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो प्लांटी और एनिमलिया के दो दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर NCERT आशा करती है आपसे कि आप उनके क्लासिफिकेशन याद कर लेंगे। देखिए प्लांट्स के केस में इसको डिवीजन कहते हैं, किसको, फाइलम को। ये एक सेपरेट वीडियो आपकी बना दी थी जिसमें मैंने बताया था कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। क्या, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ठीक। मतलब के का मतलब क्या था, किंगडम, पी का मतलब फाइलम, सी का मतलब क्या, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशीज, ठीक है, या स्पेसिफिक एपिथेट। चलिए अब बात करेंगे, सबसे पहले मैन का क्लासिफिकेशन लिखते हैं और इसी के इर्द गिर्द बाकी लोगों का भी लिखते चलेंगे। सबसे पहले भैया क्या है, किंगडम एनिमलिया है। फाइलम की बात करें तो फाइलम है कॉर्डेटा। क्या है फाइलम, कॉर्डेटा, याद करते चलिएगा, बहुत ही इजी वे में पढ़ाएंगे। इसके बाद कॉर्डेटा के बाद जब आप बढ़ेंगे तो सब फाइलम है इसका वर्टिब्रेटा। सब फाइलम कौन सा है, वर्टिब्रेटा, और सुपर क्लास है टेट्रापोडा, ठीक है। जब क्लास की बात करेंगे तो क्लास है इसका मैमेलिया, क्लास कौन सा है, मैमेलिया। जब ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर है प्राइमेटा। क्या है ऑर्डर, प्राइमेटा। इसके बाद जब फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली इसकी होमोनिडी फैमिली है। जीनस की बात करेंगे तो होमो, और स्पीशीज है आपकी स्मॉल एस शुरू होगी, सेपियंस। क्या है, सेपियंस। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, होमो सेपियंस। क्या नाम हो जाएगा, होमो सेपियंस, आई पहले आएगा, ई बाद में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, मक्खी की, हाउस फ्लाई, मक्खी, हुमें मक्खी, देर करना रखी। चलिए आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको, हाउस फ्लाई जो है, हाउस फ्लाई का भी किंगडम एनिमलिया है। फाइलम क्या है इसका, फाइलम भैया आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम की मेंबर है। क्लास की बात करेंगे तो क्लास है इसका डाइप्टेरा, एक डिप्टेरन है। ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर इसका है, शायद एक गड़बड़ी हुई है यहाँ पर क्लास बताने में आपको,
क्लास यहाँ पर इंसेक्टा है, वही मैं बता रहा था, क्लास इंसेक्टा है और ऑर्डर आपका डायप्टेरा है, ठीक है। इंसेक्टा क्लास है, इंसेक्टा जो है वो एक ऐसी क्लास है जो मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्लास है, मतलब इसमें सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ऑर्गेनिज्म की, वो क्लास है इंसेक्टा, और वहीं पे मेरे से गलती हुई। आप सोच के देख सकते हैं कितनी बड़ी ब्लंडर किया था मैंने। फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली इसकी मसीडी, मूसा, मेस्टिका, मूसा डोमेस्टिका, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मूसा डोमेस्टिका लिख रहा हूँ, तो अलग अलग अंडरलाइन करूँगा, एक ये लास्ट क्लास में समझा दिया था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे मैंगो, मीठे मीठे आम। किंगडम प्लांट ही है। डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न है आपका एंजियोस्पर्म, स्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। बात करेंगे कि इसकी क्लास कौन सी है, तो क्लास है भैया आपकी डाइकोटिलेडोना है, डनी, कौन सी क्लास है, डाइकोटिलेडोना, ठीक है। ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर क्या है इसका, सैपिंडल्स, फैमिली है एनाकार्डियसी, CEAE, प्लांट की फैमिली में CEAE लगता है, ये सफिक्स याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, अभी से बता के चलते हैं जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। बात करेंगे जीनस की, तो जीनस है इसका मैंजीफेरा, जीनस क्या है, मैंजीफेरा, और स्पीशीज क्या है, इंडिका। इसका एग्जांपल भी दिया गया था आपको, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अगले ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्या, गेहूं। इस समय कटाई चल रही है, जो गांव घर से संबंध रखते होंगे उनको पता होगा कि गेहूं कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। एक चैप्टर पहले था हम लोगों के कोर्स में, ट्वेल्थ क्लास में, इन्हेंसमेंट इन फूड स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो वो खैर अब हटा दिया गया है आपके NCERT से, तो ऐसा डरने घबराने की बात नहीं है, लेकिन पढ़ने लायक चैप्टर है, मतलब अच्छा चैप्टर है, कहीं पुरानी किताब मिल जाए तो आपको गेहूँ चावल इन सब चीज़ों की अहमियत पता चलेगी उस चैप्टर से। चलिए देखते हैं किंगडम क्या है, प्लांटी है। जब बात करेंगे किसकी, फाइलम की, तो फाइलम भैया डिवीज़न, फाइलम को ही डिवीज़न बोलते हैं प्लांट्स के केस में, तो डिवीज़न की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्मी ही ये भी है, और एंजियोस्पर्मी में जो दो क्लासेस होती हैं डाइकोटिलेडोना और मोनोकोटिलेडोना, उसमें से ये भैया मोनोकॉट है, मोनोकोटिलेडोना क्या है, मोनोकोटिलेडोना है। चलिए धीरे से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऑर्डर की, तो सैपिंडल्स यहाँ पे ऑर्डर था और इसका ऑर्डर है पोएल्स। इसको याद करना मैंगो के क्लासिफिकेशन को याद करने से थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि भैया इसकी क्लास पोएल्स है, ऑर्डर पोएल्स है और फैमिली पोएसी है, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे जीनस की, तो जीनस तो भैया ट्रिटिकम है, ये लास्ट पॉइंट लिखने से पहले भैया आपको सबको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा वीडियो को, और उसके बाद ही मैं ये लास्ट पॉइंट लिखूंगा। शेयर कीजिए जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके, इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, बढ़िया शेयर कीजिए वीडियो को। और अब बता देता हूँ आपको क्या है स्पीशीज, एस्टिवम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, काफ़ी सारे नाम याद रखे हैं हम लोगों ने, तो खैर हम लोग मतलब एज अ टीचर मैंने तो कई सारे नाम याद रख रखे हैं इस समय भी, तो गेहूं का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है जैसे। और इसके अलावा जब बात करते हैं किसकी, चावल की, ओराइजा सेटाइवा होता है उसका नाम। जब बात करते हैं किसकी, मक्के की,
तो मक्के का नाम होता है ज़िया मेज़। तो इस तरह से आपको भी कुछ नाम ऐसे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए अगर आप बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे तो आप कोर्स में नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार को आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने पढ़ रखा है। खैर, आज की वीडियो में जो चार क्लासिफिकेशन बता के रखे हैं आपके सामने, इन चारों क्लासिफिकेशन को और ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की इसके साथ ही याद भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो चारों क्लासिफिकेशन बताए हैं इसको कॉपी में एज इट इज़ उतार लेना और इसको याद कर भी कर लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस रखता है। मैं ऐसे मजाक में नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको, एक लेक्चर अपना कुर्बान किया है इस टॉपिक के पीछे। इमेंस इम्पोर्टेंस का है भैया ये टॉपिक। जब आप देते हो कोई एग्ज़ाम या कोई टेस्ट तो यहाँ से उठ के क्वेश्चन 100% आते हैं। आराम से पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फैमिली ऑफ मैंगो, सोलेनेसी, एनाकार्डियेसी, पोएसी। पोएसी भी लेके देगा आंसर में, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं भैया, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सेपिनडेल्स और पोएल्स के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है। आप कंफ्यूज ना करो इसलिए मैंने अलग से बताया। भैया ध्यान से देखो, गेहूं जो है बड़ा आसान सा पौधा है, मतलब मोनोकॉट है, इतना ही छोटा सा पौधा होता है, तो इसको याद करना भी आसान है। पोएसी और पोएल्स, ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है, यही है क्या, छोटा सा पौधा तो छोटा सा नाम, पोएसी और पोएल्स। ये भैया बड़ा पौधा है तो एनाकार्डियेसी भी बड़ा और सेपिनडेल्स भी बड़ा। ठीक, सीधी सी बात है, समझ में आ गई होगी। मैंजीफेरा इंडिका बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, नाइन्थ क्लास में पहला एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका का ही दिया जाता है जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ने जाते हो। ठीक, तो भैया इसको आप याद कर लो, रट लो, पन्ने में लिख के अपनी टेबल के सामने चिपका लो, कैसे भी करके इसके इस क्लासिफिकेशन को याद करो और एग्ज़ाम में आए तो फोड़ के आओ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे।